तो सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरा चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आप सभी भाइयों के चैनल का नाम है किंग्स पिजन। वैसे तो हम लोग किंग्स पिजन ने आधा इंडिया तो कवर कर ही लिया। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कई जगहों की आपने वीडियो देख ली है, अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो कोलकाता का भी आपको शो करा है और बहुत सारी राजस्थान की भी आपको शूट्स दिखाई। तो कई ऐसी जगह हैं जो अभी मेरे जहन में भी नहीं है, यूपी तक हम लोग चली गए हैं उस सारी चीज़ को लेके। तो आज हम लोग खड़े हुए हैं संगमनेर महाराष्ट्र में, जो कि आप अगर संगमनेर के बारे में अगर आपको हम लोग बताएं तो शिरडी से 55 किलोमीटर की दूरी पे संगमनेर, ये एक छोटा सा एक गांव तो नहीं बोलेंगे, शहरी है। राशिद भाई के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। इससे पहले भी आप राशिद भाई को देख चुके हैं किंग्स पिजन पे। तो राशिद भाई सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपके इतने कीमती कबूतरों से हमको रूबरू करा रहे हैं आप। तो राशिद भाई, संगमनेर के कबूतरबाजी के बारे में हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार सविस्तर थोड़ी सी बात हो जाए। अभी वैसे तो टाइम बहुत कम है हमारे पास, लगभग अभी सूर्यास्त होने को है। तो राशिद भाई, संगमनेर के कबूतरबाजी के बारे में बताइए, किस तरह की कबूतरबाजी होती है यहाँ पे? ब्रीड है अपने इधर की। जी जी जी। तो राशिद भाई, आपका शौक की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, क्वांटिटी में कबूतर रखे हुए, ये सिर्फ उड़ने वाले कबूतर है? हाँ। और आपके घर पे जो आपने 20-30 मेरे ख्याल से 40 एक पेयर्स वहाँ पे भी लगा के रखे हुए हैं। हाँ। ये एक सेटअप है अलग से यहाँ पे जिसमें सिर्फ उड़ने वाले कबूतर है। हाँ। तो राशिद भाई, आपका और सोनू भाई ना, सोनू भाई, इनका कितने सालों से शौक चल रहा है आपका, मतलब संगमनेर की हम बात करें तो? 8-10 साल से चल रहा शौक। और कहाँ से आ गए आप, ये आपका खुद का इतना अच्छा बिजनेस है, आपका खुद का यहाँ पे शोरूम भी है ट्रैक्टर का, उसके बाद में आपका बिजी शेड्यूल निकालने के बाद में आप कैसे इनको टाइम दे पा रहे हैं कबूतरों को? टाइम अपने निकालने पे हो रहा है ना। जी जी जी। टाइम अपन निकालेंगे तो सब शौक भी हो जाता है, काम भी होता है। तो राशिद भाई से हम लोग बात कर रहे थे। राशिद भाई, आपका शौक 10 साल पुराना, आपके खुद बिजी शेड्यूल इतना है, उसके बाद आप टाइम देते हो, फिर उसके बाद हम यहाँ के कॉम्पिटिशन की बात करते हैं। जल्दी जल्दी थोड़ा इस सेक्शन को हम लोग इस बातचीत के इस घट पद्धत से होती है। घट पद्धत मीन्स व्हाट? ये आप लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय स्तर पे सब लोग देखने वाले। अच्छा। तो हिंदी का अनुवाद एकदम क्लियर कीजिए आप इसमें। जी, घट मतलब इधर जो है ना, कबूतर के सामने कबूतर लगता है, हैंड टू हैंड बाजी होती है, मतलब हैंड टू हैंड होती है। अच्छा। और कबूतर जो है, जो हार जाता है जो कबूतर, वो सामने वाले को देना पड़ता है। अच्छा, मतलब अगर मेरे 10 कबूतर आसमान में उड़ रहे हैं, मेरा एक कबूतर 12 बजे बैठ गया वो 10 में से, और आपका एक कबूतर 1 बजे बैठ गया, तो वो जो 1 बजे वाला 12 बजे वाला कबूतर वो मैं रख लूंगा। हाँ, मैं रखूंगा। ओके, बाद उसके बाद में हम बात करते हैं कि बंद पेटी की उड़ान की हम लोग बात करते हैं। हाँ। यहाँ पे बंद पेटी की उड़ान होती है, उसके नियम क्या होते हैं? ये जो है तो कबूतर सवेरे 15 मिनट टाइम होता है जी उड़ाने के लिए, और कबूतर जो है 15 मिनट के बाद बाहर छोड़ना पड़ता है। तो ये तो खुली पेटी की उड़ान होगी मेरे ख्याल से। तो ये बंद पेटी एक कोल्हापुर में होती है कि सही सब कबूतर आपको मतलब उड़ान के एक दिन पहले आपको रेफरी के हाथ में चाबी देना पड़ती है, 3 दिन पहले सामने वाले के ये चाबी देनी पड़ती है। तो आप 3 दिन पहले दे देते हैं? 3 दिन पहले। तो दाना पानी वही करता है? वही आके, मतलब अपने सामने दाना पानी उसका रहेगा अपने सामने। ओके, तो उसके बाद में आपको आपके जितने भी कबूतर लॉफ्ट में, वैसे बेसिकली कितने कबूतर उड़ते हैं यहाँ पे हैंड टू हैंड वाली बाजी में? 250-300 कबूतर उड़ाते हैं। 250-300 कबूतर? हाँ, 250। लेकिन कॉम्पीट कितने करते हैं उन कबूतरों में? मतलब 51 होते हैं, 140 होते हैं, 31 होते हैं, 101 होते हैं। जी जी जी। ऐसा जैसा पैसा लगेगा वैसा।
तो पैसों की अगर बात आई तो आज इस बार की बाजी की हम लोग बात करते हैं, कितने कितने की बाजी बनी हुई है इस बार? 1,00,000 रुपए की बाजी। और कितने कबूतर उड़ाने? 25 कबूतर। क्या बात है। तो भाई ये सबसे मतलब टफ कॉम्पिटिशन की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मैं घुमा हूँ इंडिया में, वहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे कोल्हापुर और इस जगह पे एक टफ कंपटीशन मिला है। उसमें सबसे टफ चीज़ ये होती है कि आपको 51 कबूतर उड़ाने के बाद ये जितने भी कबूतर आपको देख रहे हैं 300-400 जितने भी आपके लॉफ्ट में, सब आपको बाहर छोड़ना पड़ता है। फिर उनको देखने के बाद कबूतर उतरता नहीं, नहीं उतरता। आपका टाइमिंग लास्ट ईयर की बाजी जो जीते आप, उसमें आपका कबूतरों की टाइमिंग बताइए। 5:30 बजे शाम के, 5:30 बजे। हाँ, और यहाँ पे सर्दियों के ही शो होता है सिर्फ 7:30 बजे बैठे है, 8:15 बजे भी बैठे है शाम को। हाँ, शाम तो यहाँ पे सिर्फ सर्दियों की बाजी होती है। सर्दी होती है। क्यों ऐसा? गर्मी की बाजी? गर्मी में इधर कैसा है, काम का सीजन होता है जी, तो इसीलिए किसी को टाइम नहीं मिलता। जी जी, देखिए एक्चुअली एग्रीकल्चर फॉर्म से यहाँ पे सारी, यहाँ पे सारे किसानी के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है, इसके लिए गर्मियों में यहाँ पे जोरों शोरों से इनका काम चलता है। और ये बड़ी मतलब छुपे रिश्ते में बिल्कुल सिंपल मिजाज के हैं हमारे राशिद भाई। बाकी बहुत इनकी बातें अभी सिर्फ मुझे पता है, वो आपको मैं कभी दूसरी वीडियो में बताऊंगा जरूर आपसे। तो राशिद भाई इस बार 1,00,000 रुपए की आपकी बाजी लगी हुई है, हैंड टू हैंड कबूतर उड़ाने हैं। हाँ। एक दिन की बाजी होगी। हाँ। 51 कबूतर उड़ेंगे। कितने कबूतर तैयार कर रहे हो आप? अभी मेरे पास 350 कबूतर है। 350 कबूतर। हाँ, तो इसमें से जो टॉप का कबूतर होगा वही लगेगा। अच्छा, तो 350 में से छटाई होगी? छटाई होगी। तो ये सर्दियों का सीजन तो बेसिकली ये होता है कि ये बास बेरी का ब्रीडिंग सीजन होता है। हाँ। उस टाइम पे वो भी ब्रीड करते हैं, उनके बच्चे निकलते हैं, तो कबूतरों को बहुत मार पड़ती है। हाँ। तो उन सारी चीजों का आपको फर्क नहीं पड़ता है कबूतर बाजी? कबूतर हमारे मार में भी उड़ते हैं। मार में भी उड़ते? हाँ, उड़ते, आदत होती है ना। क्या बात है, बच के आ जाते हैं। क्या बात है। तो संगम नेर की कोई विशेष ऐसी कोई नस्ल है? संगमनेर की नस्ल दिखाता हूँ मैं। क्या बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू देने के लिए। अभी आपको हम बिना टाइम वेस्ट करे राशिद भाई के कबूतरों की तरफ लेके चलते हैं। तो राशिद भाई आपकी लोकल लैंग्वेज, लोकल कबूतर देखना चाहूंगा मैं संगमनेर के। सबसे पहले तो बेसिकली कौन से कबूतर है राशिद भाई आपके पास? ये इधर के देसी कबूतर बोला जाएगा इसको। जी जी, अपने इधर की नस्ल है वो। जी, और आपके लॉफ्ट में कौन से कबूतर है? मेरे पास पंजाबी है, कसूरी है, सभी अच्छा। सभी नस्ल के कबूतर है। तो ये उड़ानों में कोई बेसिकली एक ऐसी नस्ल है जिसमें आपको एक ही नस्ल उड़ाना है या कोई भी उड़ा सकते हैं? नहीं, कोई, मैं तो कोई भी नस्ल उड़ा सकता हूँ। अच्छा, और सामने वाला भी कोई सी भी उड़ा सकता है? अपने पे होता है कबूतर को कैसा बनाना। क्या बात है भाई। तो ये भाई ये ऐसे हैं ये छुपे रुस्तम, ये मद्रासी कबूतर भी बंद करते हैं, ये पंजाबी कबूतर भी इन्होंने बंद करे हुए। तो सबसे पहले आपको संगमनेर की लोकल ब्रीड्स से हम लोग वाकिफ कराते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इनके पास परफॉर्म दे चुकी है। जी, तो भाई टॉर्च चालू हो गया है मोबाइल का। ये अन्ना तांडव है भैया। अच्छा, ये अन्ना तांडव। और बेसिकली यहाँ की एक स्पेशलिटी ये भी है इनकी कबूतरों की कि सभी के नाम रखे हुए हैं इन्होंने कबूतर के। इसके पंख दिखाइए, क्या रिकॉर्ड कर रहा है इस कबूतर का। इसका शाम तक का रिकॉर्ड है, हर बार अंधेरे में बैठता है। क्या बात है। ये इनका ये कबूतर बड़ा ही फेमस कबूतर है, अन्ना तांडव के नाम से ये कबूतर बड़ा ही फेमस हुआ। इसको छोड़ के जरा इसकी खड़ान दिखाइए, क्या बात है। तो ये बेसिकली ये यही की ब्रीड है, ये लोकल ब्रीड है संगम में। क्या बात है। उसके बाद और कुछ स्पेशल? और आपको अभी कलाल बांगड़ी भी दिखा। कलाल बांगड़ी, कलाल बांगड़ी क्यों नाम रखा है ये इसका? कबूतर उड़ते हैं वैसे उनका नहीं, कलाल बांगड़ी है क्या ये? अरे वो तोप का नाम है तो हमने उसका रख दिया तोप। अच्छा, तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये अलीबाग के पास में एक किला बना हुआ है पानी के अंदर जिसका नाम है मुरूड जंजीरा, वहां पे वो तोप रखी हुई है जिसका नाम क्या है? कलाल बांगड़ी। तो ये नाम उन्होंने कलाल बांगड़ी अपनी कबूतरी का रखा है। वो क्यों रखा है? वो तोप के नाम से रखा है, वो तोप की जैसी उसमें खूबी होगी इसके लिए शायद उसका नाम कलाल बांगड़ी। तो बताइए भाई आपकी कलाल बांगड़ी दिखाता हूँ ना। जी जी जी, तो ये कलाल बांगड़ी देखिए भाई आप। सबसे पहले तो ये कबूतर, सब उसकी नस्ल दिखाता हूँ। तो ये पूरी कलाल बांगड़ी की नस्ल दिखा रहे हैं हम आपको। ये इनके पैरों पे इतने बड़े बड़े बाल हैं देखो भाई। इनका टाइमिंग, ये सच में कबूतर इतने उड़ते हैं? ये उसकी बेटी है अर्ची नाम है। अर्ची, क्या बात है। सैराट मूवी बड़ी फेमस हुई थी भाई हमारे महाराष्ट्र में, तो इनका नाम रखा है अर्ची ये कबूतरी का। बेसिकली सभी के नाम है यहाँ पे, ज्यादा करके बाजी में ये कबूतर नाम है। क्या बात है भाई। एक कबूतर आप सबसे पहले मुझे कलाल बांगड़ी पकड़ के बताइए आप, जो कि इनकी सबकी जननी है, इनकी माँ है। सबसे पहले हम लोग कलाल बांगड़ी देखेंगे, क्या स्पेशल है इस कबूतर में, मैं भी देखना चाहूंगा भाई। इसके सबसे पहली चीज आप इसको दिखाइए, इसके पैरों के बाल दिखाइए आप मुझे भाई। ये इतने बड़े बड़े बाल है इस कबूतर के पैर पे। मैंने एक किस्सा सुना था, मेरे एक दोस्त है
स्माइल भाई बोल के औरंगाबाद महाराष्ट्र में, उसके नाखून भी देख लो क्या बात है माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। तो उनके मुंह से मैंने एक किस्सा ये जरूर सुना था कि मैं संगम नहर में एक बार गया था, तो एक शादी में गया था मैं, बहुत ही जबरदस्त इसकी आंखें माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त। इसके क्या रिकॉर्ड रहे हैं हमेशा, और इसकी उड़ान के बारे में थोड़ी बात बताइए हम, उड़ान कैसी है इसका कबूतर? तो कंटिन्यू उड़ाएंगे तो भाई शाम को बैठता नहीं कबूतर। अच्छा, इनकी उड़ान 2 दिन की है? हाँ, उनको 3-3 दिन रुका के उड़ाना पड़ता है, जब जाके ये कबूतर अपनी मतलब शाम तक बैठते हैं। हाँ, शाम तक। क्या बात है। तो इस्माइल भाई की आपको बात कर रहा था, इस्माइल भाई ने मुझे बोला था कि जित भाई मैं एक बार एक शौकीन के पास गया बारा संगम नहर में, वहां पे मैंने एक पाव परी कबूतरी पसंद की थी, बड़ी अलग किस्म की कबूतरी थी, लेकिन उसके मैंने लगाते लगाते उसके कई पैसे लगा दिए लेकिन उसने दिया नहीं। मेरे ख्याल से ये कलाल बांगड़ी हो सकता है, उसी ब्रीड में से कोई एक ब्रीड हो। क्या बात है माशाल्लाह, पूरी कलाल बांगड़ी की पूरी फैमिली हम लोग आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, रूबरू करा रहे हैं उससे, ये सारी एक ही फैमिली के हैं सारे कबूतर माशाल्लाह बहुत शानदार। तो इसमें कुछ पैर मोच आते हैं और कुछ पैर मोच नहीं होते? ये उसके जो है ना जी, उसको इसमें क्रॉस कर दिया। अच्छा, उसको क्रॉस कर दिया, जो नस्ल है लोखंडे। ओके, इसमें क्रॉस किया। क्या बात है भैया, प्योर लोखंडे कबूतर है ये, जो अहमदनगर की ये जो ब्रीड है लोखंडे, ये देखिए ये लोखंडे कबूतर, ये शाम तक उड़ते हैं ये कबूतर, और ये लोखंडे अभी ये भी भाई उसी में है। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत बहुत उधर भी जी। और इसके अलावा कोई स्पेशल और कबूतर? कबूतर तो यहाँ पे बहुत सारे, 300 कबूतर है, क्या दिखाएं क्या रखें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो रिकॉर्डेड कबूतर है जिन्होंने अच्छा नाम कमाया, मैं वो कबूतर देखना चाहता हूँ, जैसे कि आपने अन्ना तांडव दिखाया। पिन्या, पिन्या कर देखिए अभी, पिन्या। ओके, ये अलग अलग से बड़ी अजीब से नाम है पिन्या, इसका भी रिकॉर्ड है भाई ये कबूतर का। ये कबूतर का क्या रिकॉर्ड है? इसकी आंख दिखाइए, कितने बजे? 5:30 बजे बैठे थे शाम को। क्या बात है। तो भाई जो लोग बोलते होंगे ना कि भाई सर्दियों में तो बच्चे भी उड़ाते हैं कबूतर, एक बार आप संगम नहर आके कबूतर उड़ा के बताइए, एक साथ कितने लकड़ आते हैं आप बता रहे? 5-5 6-6 रहते हैं, 5-5 6-6, और सारे कबूतर नीचे खुले हुए होते हैं इसी तरह से, और उसके बाद में आपके कबूतर आसमान में उड़ते हैं इसी तरह से, जो अभी उड़ रहे हैं ये कबूतर उड़ाए हुए हैं कुछ, जो कि अभी बैठने का नाम अभी नहीं ले रहे, तो इनकी ट्रेनिंग जो होती है बेसिकली वो इसी तरह से होती है कि कबूतर खुले होने के बाद में सारे कबूतर उड़ते हैं। तो ये कुछ कबूतर अभी आसमान में बच्चे रुके हुए हैं, ये बैठ जाएंगे मेरे ख्याल से, ये तो शिकरे के जैसे ही दिख रहा है बिल्कुल उड़ते हुए। जी राशिद भाई, वापस आपके पास आ गया हूँ मैं एक बार फिर से। और संगम नहर के दुब्बास कबूतर बड़े फेमस हुए, दुब्बास कबूतर संगम नहर के हमारे एक दोस्त है प्रशांत काकड़ जी, आपके भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके दुब्बास कबूतर माशाल्लाह, उसी के लिए स्पेशली हम लोग आज यहाँ पे आए भी थे, मैंने राशिद भाई से स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, उनके यहाँ भी हम जाके आए, लेकिन समय का अभाव ऐसा था और कुछ मेजर प्रॉब्लम्स ऐसे थे कि मेरा कैमरा चार्ज नहीं था, इसके हिसाब से हम लोग उसकी वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे हम लोग जरूर उन कबूतरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। जी तो कलाल बांगड़ी देख ली, अर्ची देख ली, उसके बाद हमने लोखंडे भी देख लिए, लोखंडे जरा आप हाथ में पकड़ के दिखाइए, मैं इनके परों का शो करना चाहता हूँ कि कितने पतले कबूतर हैं, कितने पतले पंखों के कबूतर हैं माशाल्लाह, जैसा सोचा बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल छोटे पंखों के कबूतर हैं, पंजाबी प्योर कबूतर अभी राशिद भाई के हाथ में आप देख रहे हैं, और ये लोखंडे कबूतर, ये है प्योर लोखंडे जिनको हम लोग शिकरे बोलते हैं, दिल्ली में इनको टटीरे कहते हैं हम लोग। इसके नाखून दिखाएंगे जरा एक बार मुझे, क्या बात, पतले पंख, पतले पंजे, नाजुक से, बड़ी जबरदस्त ब्रीड होती है भैया लोखंडे भी, अपने आप में एक मुकम्मल ब्रीड मानी गई है, बड़ी फेमस हुए हैं यहाँ पे, और उसके साथ साथ कुछ गिरेबाज कबूतर भी आपने रखे हुए थे, ये सारे मिक्स होने के बाद में ये क्या अपनी अलग चाल नहीं लेते हैं, मदरासी के हिसाब से उड़ता है, पंजाबी पंजाबी के हिसाब से होता है, कबूतर तो अपने उड़ाने पे होता है, उनको आदत कैसी लगानी क्या, और एक आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती कि एक साथ इतने सारे कबूतर उड़ने के बाद में इनकी टोली बनती है या अलग अलग टोली बनती है? टोली तो कैसे बनती है इनकी टोली? अब 300 कबूतर उड़ते हैं तो फिर 70-70 की टोली बनाने का हिसाब अपना अपना, जिसका उसका तरीका है। क्या बात है। तो ये तरीका ये बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे, इन्होंने बोल दिया है अभी, और ये एक कबूतर आप देख लीजिए, ये सेम कबूतर मेरे घर पे इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, बच्चे भी दिखाता हूं, ये अन्ना तांडव भी है ना, ये अन्ना तांडव, और ये जो आपको फीमेल दिख रही है सेम ऐसा ही एक मेल इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। क्या कबूतर था, बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त जी। ये अन्ना तांडव, ये अन्ना तांडव के ये ऐसे मतलब कल्परे बच्चे भी निकलते हैं, ये सेम सब ऐसे और वो ऐसे निकलते हैं जी। क्या बहुत शानदार जी। और कोई स्पेशल ब्रीड मेरे पास बहुत है, ये नीले है नगर के, ये जीत के बैठी है, बिल्कुल कबूतरी पतली सटा। इसने कितना टाइम तक उड़ी हुई है? ये 2:15 बजे तक आएगी, 2:15 बजे। और पंजाबी कुछ कबूतर है जो आपके देखना चाहूँ?
ये देखिए यहाँ पे भी एक महादेव है पंजाबी, ये भी सब रिकॉर्डेड है जी, यहाँ पे सारे रिकॉर्डेड, मतलब ये उड़ने के लिए आए हैं बेसिकली अभी कबूतर यहाँ पे, थोड़ा पास में इसके आगे ऐसे नहीं। माफ कीजिएगा कैमरा रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, क्या बात है, बहुत शानदार जी। इसको भी छोड़ के दिखाई जरा इसकी खड़ा में, और वो जो मेरे फेवरेट थे मैंने जो येलो आइस के जो पाव पर दिखे थे मैंने, जिससे मैंने आपको मांगे भी थे, लेकिन राशिद भाई मुझे कबूतर नहीं दे रहे हैं, मैं कट्टी हूँ आपसे, लेकिन एक प्रॉमिस इन्होंने किया है कि मुझे ये कबूतर बाजी होने के बाद, बाजी होने के बाद में ये सारे कबूतर में से कुछ कबूतर इंशाल्लाह आप मेरे लॉफ्ट में जरूर देखेंगे। ये कबूतर को मैंने डिमांड की है इनसे, इसके पंख दिखाइए आप, ये देखिए बिल्कुल पतले पंख हुए कबूतर, इसको छोड़ के दिखाइए, ये भी पूरे पैर मोच कबूतरी है, इसकी इसकी फैमिली, इसकी फैमिली छोड़ के दिखाइए आप, पंजाबी और ये देखिए ये उसकी बहन है ना, नहीं वो वही वही कबूतरी, अच्छा ये यहाँ खाने में आ गया, ये देखिए ये एक ब्रीड बना लिया अपन ने, पंजाबी कबूतर है और ये क्रॉस में झापड़ा कबूतर है, झापड़ा मतलब निसावरे, निसावरे जो है ना, निसावरा क्रॉस है ये, निसावरा क्रॉस जो है ना जी, अभी निसावरे क्रॉस में देखो उसने जो दिखाया ना कबूतर आपको जी, अपन ने बनाया था सेफ इसका, देखो क्या तो भैया क्रॉसिंग एक तरह का चमत्कार है, ये तो इन्होंने साबित करके दिखाई दिया, ऊपर चली गया वो, थोड़ा इधर आ जा यार तू भाई, अरे नहीं दिखाना चाहता अपने आप, ओके तो हम लोग ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ कबूतर आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखिए शिकरे यानी कि वही लोखंडे कबूतर, उड़ान शाम तक, ये देखो ये ग्रीन आइज कबूतर पंजाबी के अंदर, क्या बात है, थोड़ा रिकॉग्नाइज में थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि अभी शाम ढल चुकी है, ये टॉर्च चालू कर, नहीं 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 टॉर्च का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ये देखिए क्या बात है, इसकी आँख देखिए बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त जी, हरी आपकी कबूतर, ये फीमेल है, मट्टी है जी जी, तो बहुत सारी ब्रीड्स हैं यहाँ पे दिखाने के लायक, तो लेकिन उससे पहले आपको मैं यहाँ पे आने का रीज़न यह था कि भाई बेसिकली हमारे पार्टी की कुछ सदस्य है जिनके लिए मुझे कुछ कबूतर इनसे परचेज करना थे, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आया था। राशिद भाई ये कबूतर जरा स्पेशल, यार ये कबूतर तो बहुत स्पेशल है आपका, इसको दिखाइए, ये प्योर डब वाले, क्या बात है जी, अब उधर के लाफ्ट में चले, हम उधर भी है कुछ दिखाने लायक, मैं उधर पट्टी, अच्छा उधर पट्टी ही है सारा, जो ना सर ओके तो भाई राशिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका कीमती समय देने के लिए, और राशिद भाई ये कबूतर उतरेंगे कहाँ है, वो उड़ रहे थे, एक उतर गया ओके एक बाकी अभी भी, चलो वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह, दुआ करेंगे हम ऊपर वाले से। तो राशिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए, आपकी कबूतरबाजी को सलाम है सबसे पहले तो, बहुत ही जबरदस्त सोनू भाई है जी, इनके भी मतलब बड़ी बड़ी बाजियां होती है, अच्छा रुस्तम है ये भी छुपे हुए रुस्तम है, इंशाल्लाह इनका भी शौक कराएंगे एक दिन, उनका भी 1.5-2 लाख की बाजी होती है, क्या बात है। तो भाई कुछ कबूतर राशिद भाई ने हमारे लिए निकाले हुए हैं यहाँ पे, यही है ना राशिद भाई, वो ये वो पंजाबी कबूतर है, ये देखिए ये सारे पंजाबी कबूतर अभी जा रहे हैं, इसमें ये मादी है फीमेल है, फीमेल है ओके, दो पट्टे और दो बड़ी फीमेल्स हैं इसमें, वो मादी है। ओके वो भी बड़ी मादी है, तो ये सारे कबूतर अभी जा रहे हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में फिलहाल, तो उसके बाद में देखेंगे हम कहाँ जाएंगे। तो राशिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी, ये देखिए ये आ गए, ओके तो जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे, आपकी कबूतरबाजी की बात कर रहा था मैं, आपकी कबूतरबाजी को तो सलाम है कि इतने सारे कबूतर नीचे खुले होने के बाद में आपके कबूतर शाम तक उड़ते हैं, तो ज़रूर मास्टरी है, लेकिन मेरा एक सवाल है बिल्कुल दिल से, और अगर आप इसका सच्चाई से अगर जवाब देंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्या आप कभी इन कबूतरों पर डोपिंग यूज़ करते हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, तो सामने वाले के, अच्छा एक और बात बोलना चाहूँगा मैं व्यूवर्स से कि इनकी बाजी ऐसी होती है कि बाजी में अगर किसी कबूतर ने उल्टी भी कर दी
बाजी को सामने वाले की होगी, तो बाजी सामने वाले की। अगर एक सिंगल कबूतर ने भी उल्टी कर दी हाँ, बाजी सामने वाले की, तो 1,00,000 जीत गया वो। जीत गया, बैन लगा देते हो, बैन हो जाए और बैन हो गया तो मतलब पे बैन लगा देते। कितने साल के लिए? हमेशा के लिए। उसने कहा बाजी खेलने के लिए कोई 6 साल। अरे बाप रे बाप रे। तो मतलब भाई बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जो कबूतर डोपिंग सहन नहीं कर पाता है वो कबूतर जरूर उल्टियां करना स्टार्ट कर देता है। तो कैसे लगे आपको इनके कबूतर और इनकी बातें जरूर बताइएगा। बेसिकली ये इंटरव्यू प्रॉपर ढंग से नहीं शूट हुआ है, लेकिन जितना मुझे दिखाना था, जो जो मेन चीजें दिखानी थी मैंने आपको दिखा दिया। तो राशिद भाई जाते जाते क्या बोलना चाहोगे आप? बस अच्छे से कबूतरबाजी करो भाई, उनका अच्छा खिलाओ पिलाओ और उड़ाओ, उड़ते हैं सब कबूतर। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त जीत ठाकुर को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अरे जय महाराष्ट्र। चलो मैडम।